बहकी सभी जुबा है, हम हैं हजारों में, अब की कमी जरा है, हर चीज खास है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सकी तो रबा है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सके ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी। सो हे गाइस, हाय हेलो नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोग सभी को एक नया वीडियो में स्वागत है। गाइस, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा ऑसम होने वाला है, बिकॉज आज अभी हम लोग जा रहे हैं ब्रह्मपुत्र कार्निवल फेस्टिवल में, जो बीचों बीच में होता है पूरा ब्रह्मपुत्र रिवर का। गाइस, घर से निकलते अभी ट्रैफिक में फंस गया, भयानक वाला ट्रैफिक। मुझे नहीं लगता कि ये इतना जल्दी खुलने वाला है अभी, पर टुकड़ टुकड़ जाते रहता है आगे, जितना दूर जा सकते हैं, फिर कहीं शॉर्टकट वगैरह मिलता है तो वहीं से घुसा देंगे। बहुत दिन बाद मोटो व्लॉग में आया हूँ, बहुत दिन से मोटो व्लॉग वगैरह कुछ भी नहीं किया था, तो क्रिसमस के बाद शायद से आज मोस्ट प्रोबेबली वन वीक के बाद मैं मोटो व्लॉग कर रहा हूँ। और ये बच्चे को देख रहे हो भाई साहब, पूरा रास्ता का बीचों बीच क्या जोश है इसका। हम लोग भी जब छोटे थे तब हम लोग का भी ऐसा जोश था कि साइकिल चलाएंगे, अभी भी है नो डाउट, अभी भी मैं साइकिल चलाता हूँ, फिर स्कूटी वगैरह भी चलाता हूँ, तो किसी दिन एक दिन साइकिल में भी व्लॉग वगैरह बनाएंगे। गाइस, फिलहाल का टाइम हो चुका है 2:37 और अभी हम लोग आके पहुँच चुके हैं उलूबाड़ी ब्रिज। तो यहाँ में जैसे कि आप लोग देख सकते हैं बहुत ट्रैफिक है, और तीन टाइम बहुत ट्रैफिक होता है, एक तो मॉर्निंग ऑफिस आवर में, एक इवनिंग टाइम में, और एक पूरा एकदम रात का टाइम जिस समय ऑफिस रिटर्न होता है उस समय बहुत ट्रैफिक होता है। गाइस, तो अभी फिलहाल हम लोग उलूबाड़ी पहुँच चुके हैं, तो चलते हैं हम लोग का नेक्स्ट लोकेशन में। ऐसी जिंदगी गाइस, फिलहाल अभी हम लोग आके पहुँच चुके हैं हम लोग का दोस्त को पिकअप करने के लिए। देखो लाल बंदर जैसा पूरा यहाँ में। ओह माय गॉड, ए तू क्यों आनी सो क्यों ফুল ফেস হেলমেট বেশি ভালো হয় না লাগে মুখ রঙাটো ভাল লাগে ঠান্ডা লাগে না মই কেন এটা লইছো আপা চশমা খুলি বলো गाइस, क्रिसमस उसमस चला गया, पर ये अभी भी सेंटा क्लॉज के भाव में है। सेंटा क्लॉज इतना होगा इतना मुंह मत देखो, तुम पूरा बंदर लग रहे हो। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रे हलकट हंस। फिलहाल हम लोग आगे पहुंच चुके हैं, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मेरा राइट साइड में गेट है, तो हम लोग को आगे से ऐसे यू टर्न करके आना पड़ेगा, तो हम लोग आगे से यू टर्न ले लेते हैं। यहाँ में वैसा कुछ यू टर्न वगैरह है नहीं सामने में, थोड़ा सा दूर से घूमना पड़ेगा। गाइस, फिलहाल 15 से 20 मिनट झगड़ा करने के बाद ट्रैफिक से अभी हम लोग फाइनली अपना यू टर्न ले चुके हैं। गाइस, फाइनली अभी अंदर आ चुके हैं हम लोग, इस रास्ते से हम लोग को जाना है टुवर्ड्स ब्रह्मपुत्र कार्निवल फेस्टिवल। ये थोड़ा सा रिस्की है, पर कोई नहीं, हम लोग कर लेंगे, हम लोग को एडवेंचर बहुत पसंद है। एक्चुअली क्या है कि ये वाइट रेड है ना, तो बहुत स्लिप करता है, और मेरा पीछे वाला टायर में ना एकदम भी ग्रिप वगैरह कुछ भी नहीं है, मुझे उसको चेंज करवाना है। गाइस, यहाँ पे देख चुके हैं अभी हम लोग आके पहुँच चुके हैं ब्रह्मपुत्र कार्निवल फेस्टिवल। एक्चुअली अभी ना हम लोग को यहाँ से ना फेरी करके ना बीच का कुछ एक जगह है, वहाँ पे फेस्टिवल हो रहा है, तो वहाँ तक जाना है, तो हम लोग यहाँ पे टिकट वगैरह कर लेंगे। टिकट वगैरह करने के बाद हम लोग निकल जाएंगे आगे की तरफ, तो देखते हैं टिकट वगैरह में कितना लेता है, आप लोग को भी इन्फॉर्म वगैरह करेंगे। क्या मस्त प्लेस है गाइस। तो गाइस, रेट में आए हैं तो थोड़ा सा सैडलिंग वगैरह का भी एक्सपीरियंस वगैरह कर लेते हैं। हमें पार्क कर देता हूँ। गाइस, फाइनली हम लोग टिकट वगैरह करा चुके हैं, और टिकट अभी मिलने के बाद हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से। कैसा लग रहा है? टिकट मिलने का खुशी।
सो गाइस जो टिकट का प्राइस है वो है 300 रुपीज़, जिसमें आपका दो टिकट इंक्लूडेड रहेगा। जो आप लोग एक्टिविटीज़ वगैरह अगर वहाँ पे करते हो तो आप वहाँ पे ये यूज़ कर पाएंगे। और अगर कोई स्टूडेंट आता है तो अपना अगर आईडी कार्ड लेके आता कॉलेज या फिर स्कूल का, तो वहाँ में उन लोग को 100 रुपीज़ डिस्काउंट मिल जाएगा, जो कि उन लोग को 200 रुपीज़ पे करना होगा। फाइनली हम लोग आके पहुंच चुके हैं ब्रह्मपुत्र कार्निवल फेस्टिवल में, और हम लोग ने अपना अपना टिकट्स वगैरह ले लिया है। तो हम लोग अभी बोर्ड करने वाले शिप में, फिर वहाँ पे जाके दिखाते हैं आप लोगों को कैसा एक्सपीरियंस वगैरह, वहाँ पे क्या क्या एडवेंचर्स वगैरह है। सो गाइस जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि अभी हम लोग बोर्ड कर चुके हैं टूवर्ड्स आवर डेस्टिनेशन, और इसका ये पहली बार है ऐसा बोर्ड वगैरह में ट्रैवल करने का, तो ये बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है और मैं भी हूँ। मैंने पहले ट्रैवल किया है पर मैं फिर भी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। फील हो रहा है? बहुत अच्छा। कितना अच्छा? बहुत अच्छा। पहली बार शायद से तुम ट्रेवल कर रहे हो ना ऐसे बोर्ड वगैरह में? इसके पहले तो कभी नहीं किया होगा? इसके पहले किया है। कहाँ में? चांडुबी में किया था। फिर ये भी, वो भी मेरे साथ ही किया था। हाँ। और ये भी मेरे साथ ही। लग रहा है पहली बार शिप में, पूरा एकदम हवाई हवा रहे पूरे चारों ओर, पूरा ठंडा ठंडा हवा। ये देख सकते हैं ये रोप वे अपना गुवाहाटी का, अगर मेरा कैमरा अगर पूरा विजिबल दिखा रहा है तो। गाइस फाइनली अभी हम लोग आके पहुंच चुके हैं ब्रह्मपुत्र कार्निवल फेस्टिवल जिस आइलैंड में हो रहा है। तो जैसे कि देख सकते हैं अभी हम लोग यहाँ में लैंड होने वाला है बस। सो गाइस जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग यहाँ में फाइनली पहुंच चुके हैं और बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं अंदर जाके देखने के लिए क्या क्या है अंदर में। बहकी सभी जुबां है, हम हैं हजारों में, अब की कमी जरा है, हर चीज खास है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सके तो रबा है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सके ऐसी जीत। अब फाइनली अभी हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं जो ब्रह्मपुत्र कार्निवल फेस्टिवल है, और हम लोग अंदर आ चुके हैं। तो एंट्रेंस में हम लोग बस चल ही रहे, फिर आपको अंदर में दिखाते कि क्या क्या चीज़ है। सो गाइस जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे रेड में बहुत बढ़िया से डिज़ाइन वगैरह करके रखा है, ये कुछ स्टेचू वगैरह भी बना के रखा है, और बच्चों के लिए भी एट्रैक्टिव बहुत सा चीज़ बना के रखा है, जैसे फ्रॉग वगैरह भी है, फ्रूट्स वगैरह का भी बना के रखा, पेंगुइन वगैरह है। तो बहुत ही सुंदर लग रहा है ये सनसेट का टाइम में, बहुत अच्छा लगता है, बहुत खूबसूरत लगता है इनफैक्ट ये चीज़। और गाइस जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ में मुझे ये स्टैचू मिल गया था, तो मैं इसके साथ फोटो वगैरह खींच रहा था, तो सारा फोटोज आपको मिलेगा इंस्टा और फेसबुक में, तो आप लोग को फॉलो कर लेना इंस्टा और फेसबुक। सहनी हमें सजा है, हम हैं बाजारों के, सबकी नजर यहाँ है, हर चीज राज है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सके तो रबा है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सके ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी है। सो गाइस जैसे कि आप लोग यहाँ में देख सकते हो, यहाँ में कपड़े वगैरह का भी स्टॉल है, और यहाँ में सारा नॉर्थ ईस्टर्न का जितना भी कल्चर है सारा इसका कपड़े वगैरह भी मिल जाएंगे आप लोग को अगर यहाँ पे आते हो तो। सो गाइस जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टॉल्स वगैरह है, जिसमें आपका खाना वगैरह का भी फैसिलिटीज़ है, जिसमें आपका नॉन वेज और वेज दोनों ही है, वेज सेक्शन अलग से और नॉन वेज सेक्शन अलग से। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मोमो मियाँ है, जिसमें आपका वेज वगैरह मिलता है, फिर ये सब नॉन वेज वगैरह का आइटम्स हो गया, तो और फिर आपका चाउमीन वगैरह ये सब का भी है, हल्का फुल्का कुछ खाने का है आपको, चाय वगैरह तो भी वो भी है वहाँ पर मिल जाएगा आपको।
ओवरऑल गाइस इस मेला में छोटे छोटे चीजों का बहुत अच्छे से ध्यान रखा गया। सो गाइस जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ में अभी गेम जोन है, तो हम लोग अभी गेम जोन में जाएंगे। यहाँ पे ADB दिखा था तो मुझे लगा कि मैं ADB राइट ले सकूँगा, पर कूपन में जो है सिर्फ 200 रुपीज़ का ही वो है, तो एक्स्ट्रा और कैश दे के लेके आना पड़ेगा। तो अगर आप लोग कोई आते हो तो ये ज़रा सा ध्यान रखिएगा ADB का कि आप लोग को कैश देना पड़ेगा एक्स्ट्रा। तो मैं उतना ज़्यादा कैश कैरी नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे ऑनलाइन वगैरह कुछ सीन है नहीं और नेट वगैरह चल नहीं रहा, तो ये इशू हो गया। सो गाइस जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ में वाटर एक्टिविटीज एडवेंचर वगैरह है, और फिर ये वॉल वगैरह का अंदर कुछ जाके पानी में कुछ करना होता है तो उनको नहीं पता। अगर आप लोग आते तो ये एडवेंचर का फ़ायदा भी उठा सकते हो और खेल भी सकते हो उसमें। गाइस यहाँ पे हम लोग बोटिंग करने आए थे, पर फिर हम लोग सोचा कि पानी इतना ठंडा है तो अभी बोटिंग वगैरह नहीं करेंगे, कभी और आएंगे तो तब कर लेंगे। तो अभी फ़िलहाल हम लोग का प्लानिंग ये चल रहा है कि जिप लाइन वगैरह कर ले, बिकॉज इसने कभी ट्राई नहीं किया। मैंने तो बहुत बार किया पर इसने कभी ट्राई नहीं किया, तो कूपन उसमें यूज हो जाएगा। तो स्ट्रगल दिख रहे हो बालू में चलने का। The next day. जैसे कि देख सकते हैं हम लोग यहाँ में जूता वूता खोल लिया, जूता वूता यहाँ पे रख दिया, और अभी फिलहाल हम जाएंगे राफ्टिंग के लिए। ये देखिए राफ्टिंग का बोर्ड वगैरह रेडी हो रहा है, मज़ा से हम लोग राफ्टिंग वगैरह जाएंगे। फाइनली हम लोग अभी राफ्टिंग के लिए रेडी है, और ये मेरा एक फ्रेंड और ये और एक फ्रेंड, तो अभी फिलहाल हम लोग राफ्टिंग के लिए जा रहे हैं, देखते हैं, बहुत एक्साइटेड है। और ये दो भैया है जो हम लोग हेल्प कर रहे हैं। अब चाहे जिंदगी ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी है। क्या डर लग रही है क्या? चील चील इतना क्या करना है, एक दिन बढ़ना है, आज नहीं तो कल। सो गाइस जिपलाइन का जगह में आ गए हम लोग, अभी जिपलाइन वगैरह करेंगे अगर ये लोग परमिशन दिए तो यहाँ पे। 2000 years later. सो फाइनली अभी हम लोग ने जिप लाइन वगैरह कर लिया। और मेरा फोन भी बालू में गिर गया। बालू में गिर गया था? तुम्हारा बैग मिला कि नहीं? हाँ मिल गया। मिल गया तो चलो अभी नेक्स्ट देखते हैं क्या क्या है यहाँ पे फेस्टिवल पे। अभी शाम का टाइम हो गया और सारा लाइटिंग वगैरह चालू हो गया। मुझे लगता है कि आज हम लोग ने बहुत अच्छा टाइम में आ गया, तो आप लोग को लाइटिंग वगैरह दिखाते हैं कि कैसा है। थोड़ा सा सिनेमेटिक इन्जॉय कीजिए आप लोग। सो गाइस इतना घूमने के बाद बहुत भूख लगा था, तो हम लोग ने सोचा कि हम लोग फ्रेंच फ्राइज वगैरह कुछ खा लेते हैं यहाँ में, हल्का फुल्का, फिर कुछ हैवी वगैरह खाएंगे। तो हम लोग ने फ्रेंच फ्राई वगैरह ले लिया। सो गाइस देखते देखते हम लोग का समोसा और चाय भी आ चुका है, और यहाँ पे हम लोग खा लेते पहले, फिर दिखाते आप लोग को उसके बाद हम लोग ने क्या क्या किया है। सो गाइस जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि हम लोग यहाँ में दौड़ रहे हैं, बिकॉज हम लोग को फेरी पकड़ना है, बिकॉज ये अगर फेरी मिस हो जाता है अभी तो उसके बाद नेक्स्ट फेरी जो है वो 30 मिनट्स बाद है। तो अभी ये फेरी पकड़ने के बाद हम लोग जल्दी घर पहुँच जाएंगे, सो थोड़ा सा टाइम था तो हम लोग ने इसलिए दौड़ के ये कवर कर लिया। सो गाइस जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि अभी हम लोग फेरी में बैठ चुके हैं, और फेरी बहुत मस्त है, और इसका जो फर्स्ट फ्लोर है ऊपर में उसमें हम लोग बैठ चुके हैं, बिकॉज नीचे का जगह टोटली फुल था और ऊपर में सीट वगैरह भी था। तो हम लोग सोचे कि आने के समय जब खड़ा होकर आया था तो जाने के समय थोड़ा सा बैठ के जाते, बिकॉज बहुत टायर्ड हो गया था मेला में घूम के, तो इसलिए हम लोग ने ऊपर का सीट ले लिया। गाइस फाइनली अभी हम लोग गुवाहाटी पहुंच चुके हैं, जिस लोकेशन में कार्निवल फेस्टिवल हो रहा था वहां से हम लोग फेरी से अभी अभी जस्ट उतर गए हैं, और अभी हम लोग यहां से घर जाएंगे डायरेक्टली। तो आज का वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, और आज का जो ये फेस्टिवल था बहुत ही अच्छा था, बहुत अच्छा लगा इस फेस्टिवल में आके, और मतलब बहुत सा गेम वगैरह है बच्चों के लिए। अगर आप लोग आते हो तो आप लोग आ सकते हो इस फेस्टिवल में,
और बहुत इंजॉयबल था। अंदर में फूड वगैरह भी सब सही था और फेरी सर्विस जो गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया है वो भी मस्त था। आने के समय तो फेरी में इनफैक्ट गाना वगैरह भी चल रहा था, तो बहुत अच्छा लगा इस फेस्टिवल में। अगर आप लोग आना चाहते हो तो आप लोग आ सकते हो। सो गाइज, आई होप कि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आपको करना है कि आपको पता है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है, और हम लोग का फेसबुक और इंस्टाग्राम से आप लोग जुड़िएगा। वीडियो का नीचे डिस्क्रिप्शन में रहेगा लिंक, तो वहाँ में जाके आप लोग फॉलो वॉलो कर लीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में मिलते, टिल देन टाटा बाय बाय। तो गाइज, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा मस्त होने वाला है, बिकॉज आज हम लोग जा रहे हैं ब्रह्मपुत्र कार्निवल फेस्टिवल में। हाँ हाँ, सब लोग हॉर्न बजा लो।